बिदात करने वाले लोगों के उत्ते मौत का वक्त आता है तो उस वक्त रूह मलाइका जिस वक्त निकल आते हैं उनकी कढ़ दें दूजे मकाम से आता है कि उस वक्त मलाइका यद्रबूना वजूहहुम वअदबारहुम उसके चेहरा को भी मरेंदे और उसकी पुष्ट को भी मरेंदे मार कुटाई भी शुरू हो गई थी और नाल नाल आदे आखरी जू और फोसा कोम जरा अपने रूह कट हुआ है तुसा दुनिया के बड़े मार साहब मलिक साहब नवाब साहब बड़े हुए हावे अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करे दे हावे अपनी ख्वाहिशात के पीछे जान के जो थोड़े दिल ही जाता हा वो कुछ तुसा कीती रखते हावे दुनिया के तो तुसा इतनी मस्त जिंदगी गुजरे दे आवे जरा आखिर जो अनफोसर कौन जर निकलो आए तू सब है कटो तू साज अपने जाना को निकल के आओ और एक मकाम से ये आता है कि यो ये लोगा दी जदांदर को इज्जत रूह कटदा है पेरा को लो खींच के इते हंद दी ते आके रोक देता है और अगर साथ कोई भी ऐसा पीर मौलवी तेरा गदी नशीन तेरा तेरे रूह को वला खींच के वापस पूरे बदन में फैला देवे लेकिन पिटदा तरह में कोई है ऐसा लेकिन उते के हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता इतने भी जिस वक्त ये लोग जो उते मौत का वक्त आता है मलाइका कट दे मौत होगी तो मौत जिहड़े रूह खिंच गिरते हैं मौत के वक्त उस वक्त रूह आदि पे होती है रब्बे रजिउनी रब्बे रजिउनी रब्बे रजिउनी ऐ मेरे रब आ मेरे रब ओ मेरा परवरदिगार इर जिउनी मेरे को लुटा दो बदन ते वापस उठाओ मेरे को वापस उठाओ वापस उठाओ ये रूह पे आदि होती है उस बद नसीब इंसान की जी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के पीछे जिंदगी गुजारी इस अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते आकाम ते अंदाज दे तरीके दे खिलाफ जिंदगी बसर करदा रहे ये शख्स रोंदा पिटेंदा भी है ज्यादा रब ने भी उन्हें मेरे को वापस करो ये उसकी रूह पे आती होती है लोगों ने मशहूर किया होया है कि रूह की जबान कोई नहीं हिसाब किताब जिस वक्त होता है उस बदन को होता है क्योंकि बदन की रूह जबान है रूह की जबान कोई नहीं इस गल जब रूह निकली बने तो वाला हिसाब किताब कबर च होता है तो रूह ता लुटती है जिसमें ता तो भुलेंदी है वरना बोल नहीं सकती रूह क्योंकि रूह की जबान नहीं ये अल्फाज सरासर कुरान मुकद्दस के खिलाफ है इतने अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलवावन ते आ जावे तो वो जबान का मोहताज नहीं वो किसी चीज का भी मोहताज नहीं रूह को भी बुलवावे इतने रूह पे बुलेंदी है हालांकि बदन नहीं पिया बुलेंदा रूह तमन्ना पे करेंदी है बार बार रब्बे रजिउनी रब्बे रजिउनी रब्बे रजिउनी हालांकि रूह तहीक है लेकिन सीवा जमा का किया कुरान को लेता है वो बार बार आदि में को लुटाओ में को लुटाओ में को लुटाओ तो ये गल करना के जबान इस जिसम दी है रूह दी जबान कोई नहीं हिसाब किताब होना है तो रूह लुट सी तो हिसाब किताब उसी वरना ना उसी इस सर कुरान मुकद्दस के खिलाफ है आज देखो इस हत्था साढ़े अभी जबान कोई नहीं लेकिन दी क्यामत दे कुछ ऐसे हो सक लोग जिन्हें दे हाथ खड़े बोले दे हो सक जब उन्हों को जहन्नम की तरफ लाया वेदा हो किया हो सी उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हों को पिछ आवाज देनी है मलाइका को के जरा इन्हों को धक्को ना कुछ असर इन्हों हिसाब किताब करना है भी इन्हें को थोड़ा रोको उस वक्त पीछे आवाज लगनी यौम युशर अदाउल्लाह इला नार फहुम युजाउन ये सूरत हामिम सजदा है सिपारा नंबर 24 है उस वक्त आवाज दी वैसी जिस दिन
जमा किया वैसी अल्लाह के दुश्मन आयत नंबर 19 जिस दिन यौम युशर जिस दिन जमा किया जाएगा अअबाउल्लाह अल्लाह के दुश्मनों को। हालांकि अल्लाह का दुश्मन कौन हो सकता है? अल्लाह का दुश्मन वो इंसान है जरा खांदा अल्लाह का गीत गाना दे जाता है, पोत्र अल्लाह देता है लिंटू गैरा दे नाते देता है, माल अल्लाह देता है तकसीम गैरुल्लाह दे नाते करता है, इज्जत अल्लाह देता है शाबशा हो रहा क्या समझी बता होता है। ये अल्लाह के लोग दुश्मन है ना, को अल्लाह अपना दुश्मन आके है अअदाउल्लाह ये भी अल्लाह के दुश्मन को जमा किया वैसे इलन नार आग की तरफ फहुम यूज़ाउन उन्हों को टोले टोला की शक्ल च लाया वैसी तो उन्होंने कोई डक्की दिखी वैसी असल यूज होना झली देना डक्की देना। जिस तरह आज जी लोग अपने अजल को खेती वाली जगह तो गुजरे भावन दरमियान रस्ता हो सैटा को खेती हो उस वक्त दो आजड़ी होता है एक पिछे होता है एक अगे होता है, पिछे वाला बकरिया को हाँक ही रखता है अगे वाला झली दिखी रखता है ताकि यह अजल मिल के गुजर जाए नुकसान में ना हो। इस किस्म के जरा लोगों को मलाइका लाई मेरे हुसन जहन्नम की तरफ अगे पिछे मलाइका हुसन कुछ पिछे कुटन वाले हुसन इन्होंने को कुछ अगे रस्ता भी खाने वाले हुसन जहन्नम के किनारे से जिस वक्त पहुंच जा सर उस वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हों को डगवाना है तो फरमाया डको इन्हों को जरा दसो द्वारे नाल ज्यादती तो नहीं हो। उस वक्त जन्मी पिछे मुंह करके आखन अल्लाह सरासर सबल ज्यादती हो गई इतने तो साड़ा खैर खा भी कोई कोई नहीं सारे साढ़े इतने दुश्मन बड़े खड़े हैं। अल्लाह फरमासी कहते एतमाद आता है तो किसी के उत्ते एतमाद आता हो अक्सर अल्लाह और किसी ते एतमाद कोई नहीं सिर्फ साको अपने वजूदा ते एतमाद है साधे इत्थे सिर्फ साढ़े जिसम ही खैर खा हिन होर साड़ा कोई खैर खा कोई नहीं। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के कर रहा है उस वक्त उन्होंने मुंह अंदर ठप्पा मार देना है नख ते मुला अफवाहिहिम उन्होंने मुंह अंदर ठप्पा लग जाना है मुंह बंद हो जाने उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इंसानों के अजाम को बुलवाना है वो अजाम खिलाफ हट के गवाही दे सन उन्होंने अदा इजा मा जाऊहा शाहिदा अलैहिम समहुम व अबसारहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। उस वक्त शाहिदा अलैहिम उन्होंने खिलाफ हट के उन्होंने समहुम उन्होंने कान उन्होंने खिलाफ गवाही दे सन आज कान नहीं बोलेगा जो जहान का कंजर सुनो रहा कान ना बोले सी जो जहान की बुरे आवाज से मुसीबी सुनते रहो कान तो कोई नहीं ना आपसे दुखे पैदा रहते वाले लेकिन उस दिन इन्हें कन्ना को अल्लाह कान आवाज देनी है जबान ते कान हट के खिलाफ गवाही दे सन अल्लाह तू तो इन्हें को कान दिता हा ताकि ये तेरा कुरान सुने तेरे कलाम सुने ये अजान की आवाज सुने अल्लाह तय तो दिता ही तक कान तक सही सही जगह के उत्ते इस्तेमाल करते रह जाए लेकिन अल्लाह ये हर जगह से इन्हें इस्तेमाल किया है लेकिन कुरान तो सब इस्तेमाल नहीं किया हर जगह से इस्तेमाल किए हैं लेकिन अजान की तरफ इन्हें तवज्जो नहीं किया हर जगह के उत्ते मौसीकी गाने बजाने सुनते रह गए लेकिन कोई सही गल सुन वास्ते तैयार है शख्स को ना जिस मकसद वास्ते तू ये दिता ही इन्हों को साको इन्होंने इंसान वास्ते दिता ही साको अल्लाह की वो काम नहीं किया अपनी मर्जी की थी शायद अलैहिम समहुम उस इंसान के खिलाफ उसके कन गवाही दे रहे खड़े उस आज देखो कन्ना की आवाज तो कोई नहीं आज तो बेशक जो कुछ कन्ना को सुनाई बचो जो कुछ की जाओ कभी कान नहीं बोला तो हजरत सर के पकड़ता है के सुनता वह हट उसके खिलाफ गवाही दे सी आप सारो हो उन्होंने अखा गवाही दे सन कि अल्लाह तू तो अखा नहीं दिया को ताकि तेरे कलाम को वेख के पढ़े तू
तो वह कहते हैं ताकि अपने अख्या नाल सही वाली बच्चे तक दूर के वजह से इबादत करे, तो वह कह दीजिए अल्लाह ताकि अपने रोजी का भी बंदोबस्त करे, देवा अल्लाह तो तू हमें असबाब तो बढ़ा दी आ रही, अल्लाह तू अखा दी इन्हों को ताकि सही जगह के उत्ते इस्तेमाल करे, लेकिन असा अखी के नाल हर बदमाशी करेगा रह जाए गैर महरम औरतों को लोग धीरे फेरी वाल तक तक कहता रह जाए टीवी ड्रामे से हर किस्म की बदमाशी करता रह जाए अल्लाह, लेकिन जिस मकसद वास्ते तू दिते है वो मकसद इस इंसान इस्तेमाल नहीं किया, उस मकसद वास्ते वो हासिल नहीं किया, आज अखी की जबान को नहीं दी क्या मत अल्लाह बोलोस अब सार हो ये अखा उन्होंने खिलाफ गवे अखड़े दे दे उस बस वो जुलूद हो हत्ता के जुलूद हो चमड़े हर इंसान का जोड़ 360 जोड़ इंसान का सिवाय जबान दे जिस जिस जोड़ नाल इस बात फैली थे हरकत की थी उसी गलत हरकत सकारात की थी उसने वो हर उज्व बोल के दसी हुई मेरे नाल ये काम किया आज ना हाथ बुले दे ना साढ़े कान बुले दे ना साढ़ी अखियां बुले दे ना साढ़े पैर बुले दे लेकिन ये क्यामत दे इस इंसान दे ये पैर बुले दे उसने कि अल्लाह जिस मकसद वास्ते तय किया उस वास्ते इस्तेमाल नहीं किए चोरियां वाले इस्तेमाल किए जिना वाले इस्तेमाल दूर के वेदा गद्या शरीयत के खिलाफ जिते महफल लगिया पड़े हो एक सुकून ते चस आंधी उठाई आई उठे टोल के वेदा जिथे वादे तेरे पैगंबर की सुन्नत के खिलाफ सुन्नत या थजिया पे उड़ने हो ये बंदा दौड़ दौड़ के उठे पहुंच रहा जिस मकाम तो तू मना किया इस दी हर वक्त उस जगह ते हाजरी होती है ते जिथे ताए हुक्म किया इतने हाजरी देनी है उतो ये वेदा ही कोई नहीं हर इंसान का उज्व बोल के गवाही उस इंसान के खिलाफ देसी के सारी जिंदगी ये काम करता है आज वे तू इंसान ये हाथ आज टोके दे मशीन के अंदर आ गए टुकड़े टुकड़े हो गए कभी हाथ नहीं बोला तो की था मेरे नाम तो आज पैर वटीर बने कभी पैर नहीं बोलिया तो मारसा के कर लेते मेरे को रो खून खून हो बजे लेकिन ये क्या मत इंसान का हर उस बोल के गला क्या करता उसकी कौन उस वक्त बजरूद हो बीमार कानून या मनूर ये रे अमल की थी हो सर सारे अमल कट के बाहर इंसान का वजूद मार दे सी जिस वक्त सारी गवाही उसका वजूद भी उन्होंने खिलाफ दे दे सी उस वक्त अल्लाह रब बोले सर उन्होंने मुंह तो वो लाया होया थप्पा पीछे हटा दे सी जिस टाइम थप्पा हटाए वो अपने बद वजूद को मुखातब करके आखिर कालू ले जुलूद ही ले मशहीद तो मालाइना और साढ़े वजूदो के हो गया तो आपको तो साढ़े खिलाफ गवाही क्यों दी थी असा झूठ बोला है सिर्फ इस गल के उते ताकि तुस जहन्नम की आग तो बच जाओ असा इस गल तो झूठ बोला है ताकि तुस सजा तो बच वजो के गल ले मशहीद तो मालाइना क्यों साढ़े खिलाफ तुस गवाहियां दी थी ऐसा को तुस बदनाम किया तो शर्मसार किया उस वक्त इंसान का पूरा वजूद ढांचा बोल को सी हर हर औजार जो आवाज निकल लग गई सी वो अक्सर गल सुनो قالوا انت قد الله الذي انت كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون اصحاب کی مرضی نہ کوئی نہیں بولے ساکو اس ذات بلوایا جے ہر ایک کو بلوا بنا جس ہر ایک کو زبان دیتی ہے تے بلویلا ہے ساکو اس ذات بلوایا असल जान कुछ के कोई नहीं बुलवाए पर लोगों ही अल्लाह रब्बो इज्जत को पहली मर्तबा फायदा कीता है अल्लाह की तरफ तो सब लौट के बज रहा है जरा तवज्जो करके रवाए मत तू सब समझाए तो साडे वजूद खैर खा है ए तोडे ओ छुपे रोस्ता में जिता कोई भी नहीं जानता सिवाय मालिक ने लेकरी ना को पता ये काम करे देगा इस गल अल्लाह फरमाया मा कुंतुम तस्ताकिरून ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن كن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون او انسان تو اس گل چھپدا ہے تو اس گل نہ چھپدا چھپ
چونکہ گناہ کرتا ہے کمرہ دے وچ جنگلہ دے وچ پہاڑا دے وچ غارہ دے وچ تو اس کرنا میں چھپ کے کرتا کہ میرے خلاف میرے کان گواہیاں دے سکتا میرے خلاف میرے اکھاں گواہی دے سکتا میرے خلاف میرا وجود گواہی دے سی نہ تیرا خیال ہے کہ میں تیرے چھپ کے کام کرتا بہت سارے کام میرا اللہ نہیں جانتا اوے اللہ تیرا مالک اللہ تیری رگ رگ تو واقف ہے تو پیدا تو اس کو کیتا ہے تو دلہ دے راتا کچھ جانا نہ لائے پیا اللہ نہیں جانتا تیرے حالات تو ان محسوس ہوتا آدھو تو گناہ کرے گا گویا کہ اللہ تیرے گنے دھانے چلو تیرے ذہن چی یہ گل سہی تیری حالت تو یہ گل سہی ٹھیک ہے تو اپنے ذہن دے مطابق اپنے خیال دے مطابق اللہ کو چھپ کے کام کرے ہاں چلو اللہ کو چھپ بنیا تو اپنے اقامہ کو تنا نہیں چھو سکتا تو اس گل انسان ایک خوش نہ ہوئے ٹھیک ہے میں کسی کی چوری کرے تا بھی تھا مالک ویدا کرے تو بھی اور تو کوئی ویدا کوئی نہیں ٹھیک ہے مالک بھی ویدا کرے او دے کول تو چھپ نہ سکدا اور کوئی نہ ہوئے تے 360 جوڑ تیرے خلاف گواہی دے ہوئی آج تو ڈکیتی کرے سے آج تو زنا کرے سے آج تو بدماشی کر سے آج تو سود کھا سے آج تو چوری تے رشوت نہ کھا سے ٹھیک ہے مالک تو سوا اور کوئی نہیں تے چپ کر کے جیب وچ باش ہوئے سے لیکن تا پتہ لگ سی دی قیامت دی ہاتھ تو خود تیرے خلاف گواہی دے سر اللہ اے حرام مال کو نپی رکھدا رشوت لئی رکھدا سود لئی رکھدا اے غلط غلط حرکات کیتی رکھدا اوتے کی چھپ سکس تا مقصد اے کہ ویکھو دی قیامت دے اللہ رب العزت انہاں ہتھاں کو بھی زبان دیونی ہے کناں کو بھی زبان دیونی ہے پیراں کو بھی زبان دیونی ہے انسان دا ہر ہر عذر حتیٰ کہ شرم و حیا دے جگہ دے نال بھی اگر غلط حرکات کرتا رہ گیا تو وہ بھی خلاف زبان دے کے لوگوں کو بھی بلواؤں ہے وہ بھی بلے سنی دے خلاف گوائیاں دے سن تب ایک کو آج اکھاں دی زبان کوئی نہیں آج کنہ دی زبان کوئی نہیں آج اکھاں دی گا زبان کوئی نہیں اللہ رب العزت انہوں کو بلوا سکتے تو زبان کو بھی بلوا سکتے اس قلب اللہ اس چیز دا بہت حال ہی نہیں کہ زبان اس جسم دی ہے روح واپس آوے تا حساب و کتاب ہو سکتا ہے اگر روح واپس نہ آوے تو حساب و کتاب نہیں ہو سکتا نہیں قرآن دا قانون ہے کہ چاہے روح پیغمبر دی ہوئے یا غیر پیغمبر دی ہوئے جس دی بھی اللہ روح کی نے یوم صرف قیامت تو ہٹ کے اس جسم میں اس رج واپس نہیں آ سکتی باقی حساب کتاب ہو چاہے روح کو لائے لائے چاہے جسم کو لائے لائے اصل روح نہ بھی ہے پیا لیکن وہ اس چیز کا محتاج نہیں کہ روح کو بدن وچ لٹاوے تا حساب ہوے ورنہ ہوے نہیں سکتا اے تا اللہ کو کمزور منن والی گل ہے تے جیڑا بندہ اللہ کو کمزور مننے ہو تو کفر وچ داخل ہوے سی اللہ کا شاہ زور ذات ہے بھائی تے اس گل تے روح ہے ظالم دی جڑی بار بار اجے رب رجونی رب رجونی رب رجونی اللہ میں کچھ سمجھ واپس کر واپس کر واپس کر واپس کر ایک کیوں تمنا کر دی ہے 100 سال دی زندگی تاکہ بھی گزاری کھڑے 500 سال تا سب کا امتا دی ہزار ہزار سال عمر ہونی ہے وہ تو پہلے بھی گزاری کھڑے ہے ہن کیوں واپس آ رہا ہے ہن اس کا تو تمنا کرے دا پے لعلی اعمل صالحا تاکہ میں ہن وان کی دنیا تے نیک عمل کرے سا ہن جے میں واپس پتہ نہیں جے ویسا نا ہون تک میں شرک کیتا ہے کفر کیتا ہے بلاد کیتے بھی کل کیتے بھی تیجے کیتے بھی چلیس میں کیتے بھی یاریاں کیتے بھی ہون تک مشرکہ دے جنازے پڑے بھی ہون تک میں رشتے اونا نال کیتے بھی مرنے پڑے میرے اونا نال ہے ہون تک سنتا تے سو ہوتا میرے اونا نال ہے اٹھن پاہ میں میرے اونا نال ہے سراسر خدا دے دشمنہ نال میرے تعلق ہے ہون میں بان کے سو اور نال بائی کار کرے ساتھ ہون بان کے میں نیک عمل کرے ساتھ اللہ ہم نیک عمل کرے سا اور شرک نہ کرے سا بدعت نہ کرے سا تیجے نہ کرے سا چلیسویں نہ کرے سا نہ خود کھا سا نہ کائنا رل سا نہ رشتے ہوں نہ ناتے کرے سا نہ نماز چھوڑے سا نہ روزہ چھوڑے سا نہ زکاة چھوڑے سا اللہ میں عمر کے نمازیں پڑھ سا روزے بھی رکھ سا زکاة بھی دے سا اور صاحب استعداد ہو سا تا حاجی بھی کرے سا اور تو صاحب مجھے دی بھائی کہ حاجی صاحب بڑا رہے دے سا میں کو ایک دفعہ واپا دنیا تے بنیان دے ہو میرے روح کو بدن چے لٹا تا صحیح لعنی اعمال صالحا اور میں مان کے نیک عمل کرے سا ایک یو فی ما ترک تو جیرے میں دنیا چھوڑ کے آیا جیرے عمل کرنے ہیں ہون او عمل تا میں اس وقت کیتے نہیں ہون مان کے تے
वाला वो अमल करे सा अकीदा भी कुरान अल रक्षा तरीका भी मोहम्मद रसूलुल्लाह अल रक्षा और मर मेहमान के नेक अमल करे सा में को छोड़ो सही जेरे करने है नो नैन की ते और मान के करे सा फी मा बरकतो जेरे मैं छोड़ के आया पीछे आज तक दुनिया आज मामले फंस चुकी है ना आज तक सा दुनिया के तो मुंह रखड़े होए आज तक सा को कुरान ही नहीं को लफ्ज असल इस्तेमाल की तो बस अल्लाह बड़ा गफूर हो रही अल्लाह बड़ा शफीक है बिल्कुल उस दे गफूर हो रही मोमन च कोई शक नहीं उस दे रहमान ते रही मोमन च भी कोई शक नहीं लेकिन उन्हें सिफता जरा कहार ही तो देखना उस दी सिफत जरा कहार को देख वो जब्बार भी है वो कवी भी है वो अजीज भी है तो अगर रहमान अले सिफता होंगे है ना जमाल अले हैं तो उन्हें जलाल अले सिफता भी है उन लोगों को भी नजर मारना जिन्हें गुलाब के पानी चबोते भी दीते रहे फिराउन कितना सरदार बना होया हाथ वक्त बादशाह बना होया आवाज मार के आ दौदा आना रब्बो को बुलाना मेरे तो बाद के और तरह ये कोई ना असर माया ते जिस टाइम नाप के दिन ते ना माले को तो होते दरियाज मजा आटू भी और खाना उस वेले आ खाना का होड़ मैं राब आपने ते ईमान की तैने रबू सा तेहर होता राब वेला फरमाया आलान होड़ ते कुछ चेता है होड़ चेता है डू पैगंबर मुस्तकिल मैं भेजे तेरी तरह ते तू कर की नामे सुनता ते बेहद भी ते तू हीर भी नाल करेगा वहां बदमाश की नाल दी कहना हमें तू बड़ा सरकश ते सरगन्ना बड़ा हो यहाँ में तू समझे ना हमें तू इस जमीन ते रहा बड़ा ना माया और तो कोई एक हो ना लोगों को बार लगा के उतना तभी बेड़ा खाए तो की तरी ते देखो बार बार ऐसा समझाए तो अगर तेरे दिल में चीन आपत है तो मेरा मालिक भी आ गए होली ठीक है जितने जो बदमाश कर चुके लोग ते जुल्म कर चुके बच्चे कुहा चुके जमा करा चुके खून तू लोग ते बेगुनाह ही ने करे कर वेदा रह गए मासूम बच्चियां दी गर्दन ते छुरियां तक फिरवाए इन बनी इसराइल दे ठीक है तेरे जुल्म हो गए मेरा मालिक भी आ गए हुन भी अगर तू आवे तेरी शौक को साडे नाल रजाई करन दी ता फाजा मूसा कलीमुल्लाह दा तू रल बन तू कलमा पढ़ के तू तो बंकार साहब के गुलावा तू असत को गिल्ला मेणा भी नजर पर गुनाह तेरे माफ कर उस वेले तो तेरा चेता भी जात नहीं आया तो तय समझे बस माया और तो ये कोई ना हुन तेरे पानी ने तू डूबिया ते लगी ते तेरा नासा जी पानी बड़े ते मुंह जी बड़े है हुन तू आदे तो मैं उस रब दे मान के ना जेरा मूसा दा ते हारून दा रब है हुन तेरे चेता है हुन सब जरूरत तेरी कोई जरा उनो को वेख नमरूद जई को वेख जेने साडे इब्राहिम खलीलुल्लाह नाल मत्था दीती करे ऐ दिखा के लोगा ते जुल्म खड़ा करे ना तो दो वो जितना ही बादशाह बड़े हैं सही बात होते सिर के लेतर की में मरवा रहे हैं मतलब तो ठीक है गफूर रहीम तो हाँ मैं इधर का कोई शक नहीं मैं इतना गफूर रहीम मैं तो कोई सारी जिंदगी सौ साल भी मेरे अगर ना फरमानी करेगा ते दिल की सकड़ी इतने इतना अच्छा रखी है तो यार कौन अल्लाह ना रसाई चाह रसाई करेगा मैं सच्चे दिल नर माफी मंगे तो मैं तो ऊपर मेहनत की नहीं दी थी तो मुंह नहीं बुलाया उनके बोली उसे भी माफी मंगे तो मैं माफ कर दी अगर कोई सौ कतल करने वाले भी आ गए तो सिर्फ दिल में ख्याल ले आने हैं तो अल्लाह ना रसाई करे ना मैं यार मैं उनको मैं करे ना जिरे अल्लाह ना मैं अल्लाह दी हद्दा तोड़े ना रह दिया ना फरमानिया करे ना रह दिया अज्जर तक पहुंचे ही कोई ना अज्जर तक आके सच्चे दिल ना तोबा की थी कौन है सिर्फ सच्चे दिल ना इरादे रही आता हाँ तो अगर वो बस्ती की तरफ मुंह करके ठहर ही पाए बस्ती दे पहुंचा तो पहले पहले रूह निकल भी जाइए तड़प तो सच्चे दिल का कितने असर तो उनको भी माफ कर दे 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 कोई शक नहीं रहीम तहा तो मेरे नबी दे चाचे को जालमा इतना बेदर्दी नाल शहीद कीता है हजरत हमजा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख लगे थे रोते खड़े हैं आप हुई ते आला दे रसूल कई दियारा तक हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु दी दुश्मन दे खिलाफ बददुआमा भी करते रह गए लेकिन रहीम मेरा हाथ तो मैं तो उनके दुश्मन को माफ कर देता आदे इस्लाम ना निवास हो रहा इतने तक कोई शक नहीं लेकिन गल है जान बुझ के साडे हद तक ना त्रोड़ना दुनिया के मामले इतना सब बड़े समझदार है एक शख्स कोई मकान बनवेदा भी हो मिस्त्री मजदूर लाया हो तो एक मजदूर सारे की छां पे बैठा रहे गर्मियां के दिहाड़े हो काम करे ने क्या के मैं को उम्मीद है मेरा जरा मालिक है ना जिस दे काम पे आया खड़ा एक बड़ा बंदा बड़ा अच्छा है
जिस टाइम छुट्टी होनी है 4 बजे तो जरूर मेरे को 500 का नोट दे दे सी थोड़ा के ख्याल को दे दे सी को 500 का नोट कौन 500 का नोट दे दे ठीक है अगर इतने काम करा दी ताकत नहीं तो कम से कम इतना कीती रे क्या मिस्त्री को पानी भी पिलाई जा क्या बात भी कह को रा तो के रह माफ हो गया लेकिन सारे जी एक रख के उत्ते चढ़ा बैठा रहा है तो ना उम्मीदा लाई बैठे तो मेरे कोई मजदूरी मेरे पोसी कौन ही को मजदूरी दे दे अपने वास्ते इतना समझदार है ते जे मेरी बात आवे तो तो बड़ा रही काम तू न करे करे आप क्या मर जाते तू आके बड़ा रही में ये आप ये ठीक है रही मां मैं इस चीज वास्ते मेरी रहमत कोई नहीं हुई आप पहले अमल करने की कोशिश कर आपको जान लगा रहे हुन कोई कमी पेशी हुई तो एला रही मां तो हुन मैं ना एक साल कितनी कोताही की थी मैं गफूर रही मां माफ कर दे तो इस कारण अल्लाह ये वक्त ने आन तो पहले ही दसा देता है क्यों इंसान तक पता होना चाहिए मत कल को ये वक्त आवे ते बात उस वक्त ते कोई नहीं सुनी बजनी तेरी गल इस गल मत कल को लाके खड़ा कर अल्लाह मैं कुछ छोड़ मैं देख अमल करे ना फी मा तरक तो जेरे मैं छोड़ है बार बार तमन्ना कर से को अल्लाह जवाब दे सी कल्ला 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 ए हरगिज नहीं हो सकदा रूह हुन बदन च तू वापस नहीं लौट सकदी क्यामत तक हुन तू बदन तू जुदा रहस क्यामत अल्दी असल ते को वापस उठेसु इल्ला गलतु तौबा कायदा अल्लाह ए बार बार दुआ दा पी रो मेरे को लुटाओ 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 ए रूह तो बयादी अल्लाह फरमाए एक सिर्फ अपने बोल जबान दे पे भरे दी और कुछ भी हाथ ही दे नहीं आ और वापस क्यों नहीं लौट सकदा एक हफ्ते वास्ते मौलत देओ आ जा ते हो सकदा है अपनी सलाह कर दिया अल्लाह रुपए मम्मी मुबारा इहिम बरजा और इला यम युआसून क्योंकि ऐसा हुन एक पर्दा खींच छोड़ा है ओ मौत ने पर्दा जे रखी जे ना आठ तंद दी है सब त्रोड़ हुन आ गया पर्दा क्यामत तो पहले हो रूह बदन जे वापस नहीं आ सकदी क्योंकि मौत का मन भी यो होता रूह का बदन नु त्रुट वजना ताल्लुक दा खत्म हो वजना रूह का बदन को नु त्रुट वजना ये रूह दी मौत है बदन दा रूह को जुदा हो वजना है बदन दी मौत है भाई इस कारण असा हुन मौत का पर्दा तान देता है मैं वराए हि मर्ज़ा खून इलाके में जो आसून मैं वराए ए पर्दा असा जरा ताले ना मौत वाला ए हुन हट नहीं सकदा ए नहीं हट सकदा कब तक पर इला यौम युबासून क्यामत दी उठाए बने तक ए हो नहीं हट सकदा क्यामत तो पहले रूह बदल नहीं आ सकदी और कोई रिवायत हिकायत आके चाहे कोई रिवायत आके के रूह बदल जे वापस लौट आंदी सरासर कुरान दे खिलाफ है ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नहीं हो सकदी वो किसी दा घड़ा होया माकूला हो सकदा है किसी दी घड़ी हुई रिवायत हो सकदी है घड़ी हुई किसी की हिकायत हो सकती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस नहीं हो सकती क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं बोल सकते इस कारण अल्लाह के रसूल नबी मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोगों तो आपको किन पता लग सी मैं तो दुनिया तो दूर वैसा तो आपको किस तरह पता लग सी कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है भाई इस कारण तो सां सब तो पहले उस हदीस को जाके गल को कुरान ते पेश कराए अगर वो कुरान ते मुआफिक आवे तो बिल्कुल कबूल कर के रहे क्योंकि वो मैं रसूलुल्लाह की हदीस हो सी मैं कुरान के खिलाफ नहीं बोलेगा हाँ अगर वो तुम कुरान ते पेश करो और वो कुरान मुकद्दस हो खिलाफ तो बिल्कुल उनको परे फेंक दिवे दीवार से मार छुड़ाए क्योंकि मैं कुरान के खिलाफ नहीं कर सकता और ये रिवायत कुरान से खिलाफ है लिहाजा किसी और दी घड़ी हो सकती है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दी गल नहीं हो सकती इस गल अगर कोई ऐसी रिवायत ऐसी हिकायत जेरी आके के मरण तो बाद इस कबर तो रूह वापस लौट आती है या मुर्दे तो रूह वापस हट के आती है या दुनिया से वापस हट के आती है और खसूसन मौलवियों के घर आती है मौलवियों ने दीवार पे आके आवाज मारती और किसी तो नहीं आती कोई आके बामे वहां पढ़ के सुना वाला दा शेख हदीस होवे चाहे कोई मुफ्ती होवे या कोई चिट्टी दाढ़ी वाला होवे ते या हाजी होवे खबरदार कुरान मुकद्दस के खिलाफ अगर कोई ऐसी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह दी हदीस नहीं हो किसी दा घड़ा होनी गल है पे मन खड़ा दे और अल्लाह के रसूल फरमाए मन कज़ब अलैय मुतअम्मदन फलयतबव्वअ मा करहु मिनन्नार जेरा शख्स जानबूझ के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उते झूठ गड़े और ठिकाना अपन जहन्नम तैयार करे। तो सबसे पहले कुरान मुकद्दस ये इस गलो अगर खबरें बाद भी होवे तो उस वास्ते लिए आठ शर्त है। सबसे पहले सनद को छोड़ दो, मतन रिवायत का देखो, अगर हदीस का मतन भी कुरान के खिलाफ है तो भी काबिल कबूल नहीं। और फुकहा इसकी तरजीह दी, हाँ अगर उस रिवायत से रद्दो बदल करो, अगर वो रिवायत कुरान के मुआफिक हो वे तो ठीक है कबूल कर लो, लेकिन कुरान को अपने माने तो नहीं हटावना। कुरान वो जिंदा कवि राशि अपने माने के उत्ते बरकरार राशि, अगर वो ना हो सके तो बिल्कुल रिवायत को छोड़ देनी है, कुरान मुकद्दस की आयत को नहीं छोड़ना। कुरान मुकद्दस की आयत ही है कि रूह यूं से कसर हो के दें क्यामत तो पहले वापस नहीं कर रहे थे, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबअसून, ये अठारहवें पारे चला देते मिम्बर आए मज़ख इला यौम युबअसून, कैसा रूह वाला बदन क्यामत तो पहले वापस नहीं लौटाना। ये कुरान की आयत आ गई इस रसाल ते कि रूह ही बदन से वापस नहीं लौट सकती, चाहे किसी की रूह होवे भावे नबी की होवे ते भावे गैर नबी की होवे। मौत आले जेड़ा पर्दा आवे मौत आवे क्यामत तो पहले जिस्म में ना ताल्लुक रूह दा रहंदे ते ना वापस लौटदी। हुण अगर कोई कहे रिवायत आपसी से ने लौट ही आती वापस ही आती जुतियां दी खिसकाट भी होया सोना लगदा दे, ये कुरान मुकद्दस के खिलाफ है क्योंकि कुरान मुकद्दस वादे है इंता दो ला इस्मु दुआ हु तो सब लोग सदो इसे तो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। ओ काफिर दी पै उनो दा पता भी कोई नहीं कि के कौन सड़े दे पै ते कौन नहीं पै सड़े दे, कौन आए खड़े केरे लोग आए खड़े किना आके पुकारा है हुआ, ये दुनिया तो टूट बजे ओ काफिर है ओ आगे चला के और पीछे वापस नहीं आ सकदा। मां दे पेट जो आया हुआ बच्चा दुनिया ते दुनिया सारे जहान ते डाकर ते हुक्मरान दा होका मां जमा हो जावे पीछे वापस बाद पेट आया बच्चा वापस नहीं जाता। इवें जरा दुनिया तो अगे चला गया आलम बरज़ख के अंदर आलम बरज़ख तेरे अगे चला गया वो वापस आके दुनिया ते नहीं आ सकता। स्टेप बाय स्टेप जिवें हवा चली हुई वो वापस नहीं हटती, दिन गुजरा होया वापस नहीं हटता, पहाड़ दरिया चले हुए वापस नहीं आ सकते, जरा दुनिया तो चल गई वो वापस हटके नहीं आ सकता। इस गल पहले दसा दी इंसान अपना अकीदा इतने दुरुस्त कर, अपने अमाल इतने दुरुस्त कर, ये चीजा दुरुस्त करके आवे तो अगर वास्ते फायदा हो सी, तो अगर ये दुरुस्त करके ना आया तो अगर सारी जिंदगी आज जिंदत ख्वाही होने भी कुछ भी नसीब नहीं होना। अल्लाह पाक।